So now we will move to the another reaction, 1-chlorobutane to an octane. देखो आप देख रहे हो ब्यूटेन 4 कार्बन का है, ऑक्टेन 8 कार्बन का है, तो इसका मतलब डबल हो गया कार्बन. जब डबल कार्बन होंगे तो इसका मतलब क्या है, कौन सी रिएक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में हमने क्या यूज किया, ट्वाइस ऑफ एन ए और ड्राई ईथर. आपको पता है ट्वाइस ऑफ एन ए सी एल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, ट्वाइस ऑफ एन ए सी एल, और ये दोनों अल्काइल चेन आपस में जुड़ जाएगी, 4 कार्बन की एक अल्काइल चेन और 4 कार्बन की दूसरी अल्काइल चेन, तो क्या बनेगा, एन ऑक्टेन. ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. क्लियर है, इसको देखिए मैं एक्सपेंड करके यहाँ पे दिखाता हूँ. मैंने लिखा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एल ट्वाइस ऑफ एन ए प्लस सी एल सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री. ये पूरी रिएक्शन हमने किसके प्रेजेंस में करी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करी. तो यहाँ पे सी एल और ट्वाइस ऑफ एन ए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एन ए सी एल. प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा सी एच थ्री सी एच टू 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 सी एच थ्री. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन का बन गया, दैट इज स्ट्रेट चेन प्रोडक्ट है, तो क्या बनेगा, एंड